समाज का एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर देश में इस वक्त एक बहस छिड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं तीन तलाक की, और तीन तलाक को लेकर एक फिल्म बनी है, और फिल्म की स्टार कास्ट आज हमारे साथ है। फिर उसी मोड़ पर ये फिल्म का नाम है, और आइए जानते हैं स्टार कास्ट से फिल्म की कि आखिर इतने गंभीर मुद्दे पर उन्होंने फिल्म बनाई है और क्या कुछ सोचकर उन्होंने ये फिल्म बनाई है। सबसे पहले फिल्म की एक्ट्रेस से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या मानना है तीन तलाक जैसे मुद्दे को लेकर। मैम, सबसे पहले आपने इतने गंभीर विषय को लेकर ये फिल्म में, इस फिल्म में काम किया है, तो सबसे पहले जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो आपने सबसे पहला रिएक्शन क्या था? मेरा सबसे पहला रिएक्शन यही था कि आई एम ग्लैड, मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे ये स्क्रिप्ट मिली, क्योंकि एक करियर स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ ऐसा लोगों के बीच में आने का मौका मिलना चाहिए, और मुझे लगता है कि इससे अच्छा चांस नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली मुझे ये एक्सेप्ट करना था और मैंने किया और पूरे दिल से काम किया, वो आप देखेंगे ही। बिल्कुल, ट्रेलर में जितना हमने देखा उसको देखकर साफ लग रहा है कि आपने कड़ी मेहनत की है फिल्म को लेकर। क्या कुछ तैयारियाँ करनी पड़ी? तैयारियाँ, हाँ, हम लोगों को स्क्रिप्ट समझाई गई, हमारे थोड़ा वर्कशॉप्स हुई, और मुझे समझाया गया कि वो कैरेक्टर कैसा है, बिकॉज इट्स नॉट वेरी इजी टास्क, तो थोड़ा डिफिकल्ट नहीं रहा, बट थोड़ा उसको समझना था अच्छे से, तो मैंने उसको समझा, एनालाइज किया और उसको पर्दे पर उतारा। तो बाकी और जैसे आप फिल्म को जब देखना स्टार्ट करेंगे और पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तीन तलाक एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर देश में इस वक्त एक बहस बेहद छिड़ी हुई है, और मुस्लिम महिलाएं खासकर इससे ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, असंवैधानिक करार दिया है, और उसके बाद से हमने जितना भी पब्लिक रिव्यू किए देखा, उसमें कहीं ना कहीं ये हमने देखा है कि जो मुस्लिम वर्ग की महिलाएँ हैं और पुरुष हैं वो अलग अलग सोच रखते हैं इस मुद्दे को लेकर। महिलाएँ हैं और पुरुष हैं तो वो अलग अलग सोच रखते हैं इस मुद्दे को लेकर। इस पर देखिए, जहाँ महिलाएं सही ठहराती हैं उसको तो वहीं पुरुष गलत मानते हैं। नहीं, हर पुरुष नहीं, यहाँ पे लिबरल मुस्लिम्स भी हैं, मेरे दोस्त हैं जो कहते हैं कि ये ट्रिपल तलाक का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब हम तो वो फैसला तो मानना ही पड़ेगा जो कोर्ट देगा, लेकिन एक समझदार आदमी ऐसा कैसे ठीक समझ सकता है कि औरत के लिए तो ये रूल है, मर्द के लिए अलग रूल है, ये तो होना ही नहीं चाहिए ना। तो जैसा मैंने ये नज़्म सुनाई थी कैफी साहब की, औरत, तो मैं तो यकीन से कह सकता हूँ कि एक दिन आएगा ऐसा जब औरत इतनी आगे निकल जाएगी कि वो मर्द को कहेगी कि उठ मेरी जान, मेरे साथ चलना है तुझे। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने इतने डेली शॉप्स किए हैं और फिल्में भी की हैं, लेकिन ये कितना स्पेशल था और कितना? मैंने लेख जी के साथ बहुत काम किया, उनके साथ मैंने 3-4 सीरियल किए हैं और फिल्म भी की है, तो मेरा उनके साथ वैसे ही रैपो इतना अच्छा था और इतना मज़ा आता था उनको, हम दोनों एक दूसरे को समझते बहुत अच्छे, तो मतलब उनको इशारा काफ़ी होता था मुझे समझने के लिए और मेरा इशारा काफ़ी होता था उनको, तो उस लिहाज से भी बहुत मज़ा आया। और स्क्रिप्ट में क्योंकि मुद्दा था जिसमें मैं भी बिलीव करता हूँ होल हार्टेडली, तो उसको वो सोने पर सुहागा था। आप फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, इतना गंभीर मुद्दा है, आप क्या मानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों ने इसे ख़त्म कर दिया है अपने देश से, लेकिन हमारे देश में ये आज भी चल रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्या आपको लगता है? बिल्कुल नहीं जानता हूँ मैं क्या कारण ये मैंने फिल्म बनाई लेकिन कारण अभी भी ढूंढ रहा हूँ। ये तो मोदी साहब बता सकते हैं या कोई दूसरे बता सकते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि हम एक सेकुलर कंट्री है, धर्म निरपेक्ष कंट्री है, तो इस तरह इसको अभी तक एक रिलीजियस मुद्दा समझा जाता था, इसको रिलीजियस मुद्दे की तरह से शायद देखा जाता था, इसलिए इसको बैन वैन नहीं किया गया कि भाई रिलीजन में हमको दखल नहीं देना है, लेकिन अब इतनी ज़्यादा जातियाँ हो गई हैं इस वजह से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे असंवैधानिक करार दे दिया, और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कोशिश की है, और जिसके बाद एक लग रहा है कि हाँ उम्मीद मिली है कि इस मुद्दे का जिक्र हो रहा है, इस मुद्दे पर बहस छिड़ रही है, तो आप उसको कितना सही मानते हैं? बिल्कुल सही है, ये मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, ये कुरीति हटनी चाहिए समाज से। जैसा कि कमलजीत साहब ने पहले एक इंटरव्यू में बहुत सही बात कही कि हमारे एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख ईसाई जो हो, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप चार दफ़ा शादी कर लें और तीन तलाक कर दें, तलाक 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 करते हैं।
अभी अलग बात है कि हिंदुस्तानी मर्दों की क्या हालत है, लेकिन हम शादी शायद हुई नहीं तो बाद में पूछेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं फिल्म का ट्रेलर जितना देखा है तो उसे देखकर लगता है कि एक खास मैसेज ज़रूर सबको मिलने वाला है। मैम आपने इसमें अपनी आवाज़ दी है, बेहद ही खूबसूरत आवाज़ है, तो क्या कुछ तैयारी करनी पड़ी इसका जो? जी हाँ, इनके साथ बराबर मैंने रियाज़ किया, और वैसे भी मैं रियाज़ करती रहती हूँ, गाने गाती रहती हूँ, इनके साथ ही करती हूँ, तो मुझे इतना कुछ खास मुश्किल नहीं आई। सर चलते चलते दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे जिसके लिए आपने? पहले तो वो आके थिएटर में फिल्म देखें और पायरेटेड कॉपीज ना देखें, ये सबसे ज़रूरी बात है। और जाहिर है ये मुद्दा एक बहुत ही हॉट मुद्दा है और रेलेवेंट मुद्दा है, तो इसका प्रचार आगे करें ताकि ये पास हो। थैंक यू। 8 मार्च को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है और एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर ये फिल्म बनी है, तो हम चाहेंगे कि ज़रूर आप थिएटर जाएं और इस फिल्म को देखें।